नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। 29 और 30 अगस्त की रात के बीच एक बार फिर चीन की सेना ने पेंगोंग त्सो के दक्षिणी छोर से एलएसी को पार करने की कोशिश की, भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया है। चीन के कम से कम 500 सैनिक थे जिन्होंने भारत में घुसने की कोशिश की और भारतीय सेना ने उनको खदेड़ दिया और इसी के साथ चीन के घुसपैठ के प्लान को भारत ने एक बार फिर से ध्वस्त कर दिया। जैसे गलवान में चीन की हरकत का मुंहतोड़ जवाब भारत के सैनिकों ने दिया था, चीन के 40 सैनिकों को मौत के घाट उतारकर, ठीक उसी तरीके से एक बार फिर चीन के 500 सैनिकों को भारत ने पेंगोंग त्सो के दक्षिणी छोर से घुसपैठ की कोशिश करने के दौरान बुरी तरह से खदेड़ दिया। बताया जा रहा कि इस घुसपैठ के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प भी हुई, हालांकि इसमें किसी के घायल होने की या मारे जाने की खबर औपचारिक तौर पर अभी नहीं आई है, लेकिन यह जानकारी पुख्ता तौर पर हम आपको दे रहे हैं कि भारतीय सैनिकों ने चीनी फौज को वहां से खदेड़ दिया है और चीन को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया एक बार फिर से। दो मेहमान हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं, लगातार कवरेज हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल साहब, स्वागत है आपका, और हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एसवीपी सिंह साहब, आपका भी सर स्वागत है आज तक पर। सबसे पहले विशंबर दयाल साहब, पिछले 4-5 महीने से हम लगातार सुन रहे हैं कि भारत और चीन के बीच बातचीत चल रही है, दोनों तरफ के कमांडर्स टेबल पर बैठे हैं, एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, सिचुएशन को डिफ्यूज करने का प्लान बन रहा है, थोड़ा थोड़ा पीछे हटने की तैयारी हो रही है। उसके बाद अचानक खबर आती है कि आधी रात में फिर से 500 सैनिक एक नया मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है ये? देखिए रोहित, ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, चाइना की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। पूरा का पूरा विवाद जो है वो चाइना ने बहुत सोच समझ के, एक लंबे लंबे सोच के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत ये किया हुआ है। तो चाइना जो है वो शुरू से, मैं मान सकता हूँ कि शुरू में उसने जरूर सरप्राइज किया, हम उसका बिल्डअप वगैरह नहीं रीड कर पाए, लेकिन जब से हमने भी फोर्स प्रोजेक्शंस किए हैं, हमने भी फोर्स डिप्लॉयमेंट किए हैं, तो अब हम बहुत सतर्क हैं। तो इस किस्म की चाइनीज हरकत करेंगे, करते रहे हैं, चाइना पर विश्वास करना भी हमारी भूल होगी। चाइना तो अपनी सोची समझी चाल कर रहा है। मेरा मानना है कि हम क्यों रिएक्ट करें हर बार, हम क्यों ना प्रोएक्टिव हो जाए। जब तक आप चाइना के साथ रिएक्टिव रहोगे, क्राइसिस मैनेजमेंट की सिचुएशंस पे लाते रहोगे और फिर डील करोगे, तो चाइना इससे बाज नहीं आएगा। चाइना, देखिए बात किस बात की बात करें, चाइना के पास, जब तक चाइना अपने स्टेटस को पर नहीं जाता, चाइना हमारे पास कुछ भी देने को नहीं, हमारे पास कुछ भी लेने को नहीं है। तो जब तक हम एक ऐसी बॉर्डर पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे जहां टिट फैट टैट हो, तब तक बातों से बात बनने वाली नहीं है। चाइना को आपको प्रोएक्टिव होकर चाइना को डिफेंसिव पर भेजना पड़ेगा, मजबूर करना पड़ेगा, एक 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 जो है पॉलिटिकल आपको नैरेटिव सेट करना पड़ेगा कि हम चाइना का कंप्लीट बहिष्कार कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक एक आपको नैरेटिव सेट करना पड़ेगा कि चाइनीज एम्बेसी को भी फंक्शन करना मुश्किल हो जाए दिल्ली में। जब तक आप इस किस्म का हैवी हैंडेडनेस से चाइना को डील नहीं करोगे, चाइना का कुछ भी नहीं है। चाइना तो एक लंबे उसके लिए 4-5 महीने में भारत ने जो स्टेप लिया, आपको लगता है वो नाकाफी है, उनसे मैसेज नहीं जाता? देखिए मैं ये कह रहा हूं, जब वो ये हरकत कर रहा है तो इसका क्या मीनिंग है? मैसेज नहीं जा रहा ना। अगर मैसेज चला जाए तो चाइना विदड्रॉ नहीं कर जाए। चाइना सॉफ्ट उसको समझता है। 93 से जब से आपने उसके साथ बातें शुरू की, ओपन अप किए, अब मैं कह रहा हूं एक डिकॉटमी है ना। देखिए आपका सैनिक तो हर समर में उसके साथ वहां जूझता है, उसके साथ आपकी डिप्लोमेसी और पॉलिटी, उसको हर समर में उसका विजिट होता है, आपका विजिट होता है, ट्रेड होता है, सब कुछ होता है। तो हमारी एक डिकॉटमी है और हम एक डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी जबकि वो एक क्लोज कंट्री है, उनकी एक सोची समझी प्लान है, वो सब सोच समझ के करते हैं। हर बार वो इस किस्म की हरकत करता है, आज कोई नई बात नहीं है। या इस बार जैसे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, इस बार 1962 की तरह ये बहुत गंभीर सिचुएशन है, हम भी मान रहे हैं, पूरी की पूरी हमने पूरी फोर्सेस डिप्लॉय कर दी, फोर्सेस मैन्यूवर कर दी, फोर्स प्रोजेक्शन होगा। अब आप उसको फोर्स मैन्यूवरिंग कीजिए, फोर्स डिप्लॉयमेंट की बजाय फोर्स मैन्यूवरिंग जब करेंगे, जब उसको चुभेगा और जब आप डिप्लोमेटिकली उसको लगेगा कि हाँ ये रियल बहिष्कार है, बायकॉट है, आप उस किस्म का प्रेशर बनाओगे तो उसके रिजल्ट्स आएंगे। ये रिजल्ट्स नहीं आ रहे क्योंकि देश में हम
और चीजें डिस्कस कर रहे हैं चाइना के खिलाफ, लेकिन जो एक्चुअल में विजिबल इंपैक्ट होना चाहिए कम्युनिस्ट कंट्री पे, चाइना जैसी क्लोज कंट्री पे, मैं समझता हूं वो कहीं ना कहीं अभी तक लैकिंग है। ठीक सर, अभी आपकी बात पे मैं एसवीपी सिंह साहब से, मेजर रिटायर्ड एसवीपी सिंह हमारे साथ हैं, उनसे कमेंट लूं। उसके पहले अभिषेक भल्ला हमारे साथ लाइव आ गए। काफी लंबा समय उस इलाके में अभिषेक भल्ला रहे कुछ दिन पहले तक, जब तनाव भारतीय और चीन की सेनाओं के बीच में लगातार बढ़ रहा था और आए दिन बातचीत की टेबल पर दोनों तरफ के पक्ष बैठकर चर्चा कर रहे थे और शाम को खबर आती थी कि अब डिफ्यूज करने की दिशा में कदम बढ़ रहा है अभिषेक। उसके बावजूद 500 सैनिक चीन के आधी रात में एक नया मोर्चा खोलने की भारत के खिलाफ कोशिश करते हैं, भारत वहां मुंहतोड़ जवाब देता है, लेकिन सीडीएस रावत ने दो दिन पहले कहा कि हमारे पास मिलिट्री ऑप्शन भी खुला है। क्या यह मैसेज चीन तक नहीं पहुंचा? रोहित, देखिए जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, इससे साफ हो चुका है कि ये जो बातचीत में चीज़ें डिस्कस हो रही थी वो ज़मीन पर बिल्कुल भी ट्रांसलेट नहीं हो रही थी, क्योंकि 5 बार कोर कमांडर लेवल स्तर पर बातचीत हो चुकी है, कूटनीतिक स्तर पर बार बार बातचीत चल रही है और हर बार यही कहा जाता है कि डिसंगेजमेंट डीएस्केलेशन का एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। लेकिन आज अब देखिए 4 महीने हो गए जब से लद्दाख में तनाव शुरू हुआ। पिछला जो बड़ी झड़प थी वो 15 जून की थी गलवान में, जहां पर भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, और उसके बाद से हालांकि कोई झड़प नहीं हुई थी लेकिन तनाव बहुत बना हुआ था, खास करके पेंगोंग झील में, जहां पर चीन ने ना सिर्फ अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाई थी लेकिन नई कंस्ट्रक्शन भी करी थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि लंबे समय तक चीन वहां बैठना चाहता है। इसी को भारत बार बार कह रहा था कि स्टेटस को यथास्थिति बदलने की कोशिश की जा रही है। नॉर्दर्न बैंक पे जब कुछ खास नहीं हो पाया तो अब चीन ने पेंगोंग सो के दक्षिणी तट पर एक मुहिम छेड़ी और कोशिश की कि वहां पे स्टेटस को बदला जाए, लेकिन क्योंकि भारतीय सेना सारी मूवमेंट्स को बहुत नजदीकी से देख रही थी, इसलिए 29 तारीख की देर रात करीब 1 बजे जब 150 से 200 सैनिक वहां जमा हुए थे चीन के, उनको वहीं पे रोक दिया गया और आगे आने नहीं दिया गया। मंजीत नेगी, विस्तार से बताइए आपके पास क्या जानकारी आ रही है, फिर सिंह साहब के पास चले और एजेपी जैनी साहब भी हमारे साथ आ गए। बोलिए मंजीत नेगी। रोहित, संख्या को लेकर अभी जानकारी मिल पा रही है कि करीब आधी बटालियन की 500 के आसपास सैनिकों ने, चीनी पीएलए सैनिकों ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि दूसरी जानकारी इसमें जो आ रही है उसके मुताबिक किसी तरह के हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी कि भारतीय सैनिकों ने जिस तरह के पहले जिस तरह से घटनाओं के दौरान चीनी सैनिकों को पीछे धकेला जाता था, उसी तरह से इन सैनिकों को पीछे धकेला है और एक बड़ी संख्या इसको माना जा सकता है, क्योंकि 500 के आसपास पीएलए के सैनिक और उसी तरह की रणनीति जैसा जिस तरह का घटनाक्रम गलवान में हुआ है, लगभग उसी तरह का घटनाक्रम यहाँ पर देखने को मिला है। शाम देर रात के वक्त को चुना गया जब जो दक्षिण पेंगोंग का इलाका है वहाँ पर इस घुसपैठ की कोशिश की गई और कुछ ऐसी पोजीशन, ऐसी पोस्ट थी जिन पर चीन की नजर थी, जिनको लेकर एक तरह से उसने पहले से रेकी की थी रोहित, और उनको एक सुनियोजित तरीके से उन पोस्ट को, उन पोजीशन को वो हथियाना चाहता था और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने, जो पहले सैनिक थे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। वापस आते हैं आपके पास मंजीत नेगी, अभिषेक भल्ला दोनों हमारे सहयोगी। लगातार पिछले 4-5 महीने से जैसे जैसे चीन और भारत के बीच में तनाव बढ़ रहा था, लगातार उस पूरे घटनाक्रम पर आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दे रहे थे, अपडेट कर रहे थे एजेपी जैनी और एसवीपी सिंह साहब। सिंह साहब, पहले मेरा सवाल आपसे है, जो नॉर्दर्न सेक्टर में चीन करने की कोशिश कर रहा था उसमें नाकाम हुआ, तो क्या यह नया मोर्चा सदर्न सेक्टर में खोलने की कोशिश की गई, यह फ्रस्ट्रेशन है या फिर कुछ और है? चीन की यह हरकत तो जारी रहनी है। अभी चीन जब यह आया है गलवान वैली में, उसका प्लान है नॉर्दर्न सेक्टर में डीबीओ में, जैसे उन्होंने डेपसेंग में भी ऑक्यूपेशन किया है, फिर फिंगर 4 और 8 की ऑक्यूपेशन की है और अभी पेंगोंग सो में जो कर रहे हैं, ये उसकी एक चाल है और यह जारी रहेगी और इसका हमें पूरा सामना करना है। और जो हमने मिलिट्री की तैयारी की है, हमारी जो तैनाती है, ये बिल्कुल सही है, पर इस समय मेरा ये विचार है कि मिलिट्री ऑप्शन तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, जबकि आने वाले समय में सरकार ये डिसीजन ले लेती है और उसके लिए हम बहुत मजबूत हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, पर ज्यादा जरूरी इस समय है कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पे
हमारी ये तैयारी पूरी जारी रहे और बातचीत रखे ताकि हम इसका कोई सिलसिला हमें सामने आए। पर ये लगता नहीं है कि चीन डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पे कोई बातचीत करने से कोई चीज हासिल होगी। मैं ये समझता हूं कि जो अभी इनका ये एक्शन पैंगोंग सो में हुआ है, ये साउथ चाइना सी में जो हमारी इंडियन नेवी ने वहां पे अपनी प्रेजेंस, अपनी हाजिरी दिखाई है, ये उसका एक रिएक्शन है। क्योंकि चाइना अभी इस समय हर जगह पीछे नहीं हटना चाहता। आपको जानकारी है कि साउथ चाइना सी में उन्होंने अमेरिका के भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर पूरी क्या कहते हैं मिसाइल्स फायर किए, DF-21, DF-26, हालांकि उनको नहीं टारगेट किया, साउथ चाइना सी में अलग फायर किया है। तो अभी वो ताकत दिखा रहा है और इसी से अभी वो रिएक्शन करते बैंकॉक सो में उन्होंने ये एक्शन किया है। पर हमारे पास मिलिट्री ऑप्शंस हैं, जो कि मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है कि हम उसके बारे डिस्कस करें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक सर, हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। नहीं, और हम कतई नहीं कहते सर, हम कतई नहीं कहते कि मिलिट्री ऑप्शंस हैं तो उनको यहां टीवी पर डिस्कस किया जाए, सेना की तैयारियों को सामने रखा जाए खोलकर। बिल्कुल हम इससे सहमत हैं, लेकिन ये सवाल जो बार बार उठ रहा है कि भारत लाल आंख क्यों नहीं दिखा रहा, भारत मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं दे रहा, खासतौर पर विपक्ष ने जो सवाल उठाया उस पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले पूरा घटनाक्रम हुआ क्या था, असल में 29-30 अगस्त की रात को जो घटनाएं हुई वो कैसे हुई, वो पूरी बात, पूरा मामला हम आपको एक बार विस्तार से बताते हैं। दोनों सेनाओं के बीच में झड़प हुई थी जहां चीन को कदम वापस खींचने पड़े, पैंगोंग झील का दक्षिणी किनारा, वहां से चीन की सेना बढ़ी थी। 29-30 अगस्त की रात को उन्होंने बड़ी तादाद में, 500 सैनिक थे कम से कम बताया जा रहा है, भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश की। भारतीय सेना को चीन के मूवमेंट का पता चला, वो पहले से तैयार थे, ये जानते हुए कि उत्तरी क्षेत्र में अभी तक तनाव है, दक्षिणी क्षेत्र में कोई तनाव नहीं था, उसके बावजूद भारतीय सेना के साथ चीनी सेना की झड़प हुई पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की तरफ। जब चीनी सेना बढ़ रही थी 500 सैनिकों को लेकर, भारतीय सेना ने उनको रोका, वहां झड़प हुई दोनों के बीच में। हालांकि किसी के घायल होने या मारे जाने की खबर नहीं है, लेकिन भारतीय फौज ने एक बार फिर चीनी सेना को वहां से खदेड़ने में कामयाबी पाई और चीन को मुंह की खानी पड़ी वहां से। लेकिन चीन बौखला क्यों रहा है, क्योंकि सीमा पर शांति चीन को मंजूर नहीं है। भारत की मुस्तैदी से चीन के मंसूबे लगातार नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि भारत ने फिंगर इलाके में पैंगोंग के चीन को अटका रखा है। तब से चीन की विस्तारवादी नीति पूरी तरह से नाकाम हो रही है भारतीय सेना की वजह से, और भारत की बढ़ती सैन्य ताकत से चीन लगातार बेचैन हो रहा है। ये बड़ी वजह है जो बार बार चीन एक के बाद एक कोई ना कोई ऐसी हरकत कर रहा है। इसी को लेकर चीन और भारत के बीच के तनाव पर कांग्रेस ने सवाल भी उठाए हैं। देखिए क्या क्या घटनाएं अब तक हुई हैं। मई से शुरू हुआ मामला, 12 मई को LAC के पास चीन के हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी, उसके बाद भारत ने भी LAC के पास अपने लड़ाकू विमान मैदान में उतार दिए, उनकी उड़ान दिखाई गई। 15 जून को गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए, लेकिन जवाब में भारत ने चीन के 40 सैनिक मार गिराए, जिसको लेकर पहले चीन इधर उधर की करता रहा, लेकिन आज उनकी कब्रों की तस्वीरें आ गई हैं। पैंगोंग झील को भी आपको जानना चाहिए, 134 किलोमीटर लंबी झील है, 5 किलोमीटर चौड़ी है ये झील, और झील से सटी 8 पहाड़ियां हाथ की उंगलियों के आकार की हैं, इसीलिए उन्हें Finger 1, Finger 2, Finger 3, Finger 4, Finger 8 कहा जाता है। Finger 1 से Finger 8 तक पूरा इलाका भारत का माना जाता है। फिलहाल Finger 1 से 4 तक ये इलाका भारत के पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन 4 से 8 के बीच में चीन की चालबाजी की वजह से चीन की सेना वहां पर भारतीय सेनाओं के सामने डटी हुई है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर यह पैंगोंग झील है। अब आप समझ लीजिए, जिस इलाके में सांस लेना भी कठिन होता हो, उस इलाके में भारतीय सैनिकों ने अचानक घात लगाकर किए गए हमले में, पहले गनवान में चीन को मुंह की खानी पड़ी, और उसके बाद अब पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर भी जब चीन ने दोबारा यह हरकत की तो भारतीय सेना की मुस्तैदी की वजह से उनको मुंह की खानी पड़ी। AJP जैनी साहब, CDS रावत ने कहा मिलिट्री ऑप्शंस हमारे पास ओपन हैं। हम आपसे बिल्कुल नहीं कहते कि आप एज अ डिफेंस एक्सपर्ट टीवी पर बैठकर बताएं कि भारतीय फौज क्या तैयारी कर रही है या कहां क्या तैनाती की है, लेकिन जब हम कहते हैं मिलिट्री ऑप्शन ओपन है
इसका मतलब क्या होता है, एक। और दूसरा, जब सीडीएस रावत ने यह बयान दो दिन पहले दे दिया तो क्या चीन को समझ में नहीं आई ये बात? रोहित देखिए, पहले तो इसी सवाल का जवाब मैं देता हूं, जो रावत साहब ने विकल्प बताया वो चीन को बहुत अच्छी तरह समझ में आया है, लेकिन जो मिलिट्री ऑप्शन है, जो विकल्प है, वो सबसे पहला विकल्प नहीं होता। जो मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ वॉर है वो लास्ट ऑप्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी होता है, दिस इज द लास्ट ब्रह्मास्त्र, जिससे पहले की, जैसे अभी सिंह साहब कह रहे थे कि पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक ऑप्शन जब टोटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट मतलब आप थक गए, खत्म हो गए वो ऑप्शन, उसके बाद वो ब्रह्मास्त्र, मिलिट्री ऑप्शन इज द लास्ट ऑप्शन, इट इज द लास्ट वेपन ऑफ वॉर, लास्ट वेपन विद ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो चीन को मालूम है क्यों ये मैसेज पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, बहुत सही पहुंचा है, लेकिन चीन को मालूम है कि आपने पहले तीन ऑप्शन अभी तक एग्जॉस्ट नहीं किए हैं, इसलिए आप वॉर नहीं जाएंगे इतनी जल्दी, या फिर कोई सरकार में से कहे कि हाँ हमारे तीनों ऑप्शन एग्जॉस्ट हो गए और आज रात को हमला कर दो। तो पहली बात। दूसरी बात, आपने जो पूछी ना कि वो नॉर्थ में जो है वो कामयाब नहीं हो पाया इसलिए वो साउथ ऑफ द पेंगोंग सो में कर रहा है, अरे भाई नॉर्थ में भी कामयाब हुआ है, 8 से 10 किलोमीटर वो देपसांग में बैठा हुआ है, गोगरा हॉट स्प्रिंग में, और वो गोगरा हॉट स्प्रिंग में भी बैठा हुआ है। ये उसकी जो विस्तार नीति है, जो विस्तारवाद है, एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन, अब वो साउथ ऑफ द लेक आ रहा है, और साउथ ऑफ द लेक के हमको पता होना चाहिए रोहित, ये जो स्पंगरू लेक है, स्पंगरू लेक एक और लेक है जो कि साउथ पेंगोंग से ऊपर है और वो चुशूल को ओवरसी करता है, ये चाइना का एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है, और जैसे कि पहले भी वक्ता ने कहा ये चलता रहेगा, हमको डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली चीन का गला और घोटना चाहिए, जब तक कि या तो हम कह दें कि ये हमारे ऑप्शन खत्म हो गए और या चीन घुट जाए, और अगर ये हम नहीं कहते कि अभी ऑप्शन खत्म नहीं हुए तो ये चीन की कार्रवाइयां चलती रही। जैनी साहब, क्या अब तक भारत जो जो घटनाएं हुई जिनका आपने अभी जिक्र किया, कहां कहां चीन अंदर घुस आया, कहां कहां कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर डिनायल मोड में रहा है, क्या भारत ने स्वीकार नहीं किया, आंखें बंद रखी? तो बहुत सर वो हो चुका है, बहुत से स्टेटमेंट हो चुके हैं कि ना वो आया था, ना वो है, ना वो आएगा, और उसके ऊपर में क्लैरिफिकेशन भी आ गए कि ये तो खाली गलवान के बारे में था। फैक्ट क्या है रोहित, फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि 8 से 10 किलोमीटर आज भी वो देपसांग प्लेन्स में दौलत बेग ओल्दी के ऊपर बैठा हुआ है, आज भी वो गलवान में, और सॉरी नॉट इन गलवान, हॉट स्प्रिंग गोगरा में बैठा हुआ है, आज भी वो फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक, जो कि 5 किलोमीटर का एरिया है, जो कि एनएसी फिंगर 8 से चलती है, वो फिंगर 4 उसने खाली दिखावा किया है, तंबू बंबू ले गया है, लेकिन पीछे की जो उसकी नफरी, भारी नफरी और टैंक्स वगैरह है वो अभी भी वहां पर है। अब वो साउथ ऑफ द लेक भी कोशिश कर रहा है, और 500 चीनी कम नहीं होते, 500 चीनी एक बटालियन स्ट्रेंथ होती है, एक बटालियन आई है वहां पर, इसका मतलब वो किसी मायने से आया है, वो बात और है कि हमने अपने रिएक्शन से और उसको और रोक दिया और उसके जो मुंह खट्टे कर दिए और ये वो हम बोलते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उसके मुंह खट्टे नहीं हुए हैं, वो टटोल रहा है, आपका नर्व्स को टेस्ट कर रहा है, आपके आपके आप देख रहा है कि आप कहां कहां पर हो, कितने ताकत में हो, और आपके नर्व्स को टेस्ट कर रहा है। ठीक है, 29-30 का जो ये मामला हुआ है, ये टेस्टिंग ऑफ नर्व्स है, टेस्टिंग ऑफ नर्व्स, ठीक है, चलता रहेगा। ठीक है, मैं दयाल साहब के पास जाना चाहता हूँ, जो आपकी बात सुन के बीच में 2-3 बार मुस्कुराए, क्यों मुस्कुराए उनसे पूछेंगे, लेकिन उसके पहले जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जब जब चीन का सवाल उठा, जब जब सरकार से यह पूछा गया कि आखिर सरहद पर चल क्या रहा है, उन्होंने क्या जवाब दिया, वो सुनना चाहिए। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है, विकासवाद के लिए ही अवसर है, और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही
मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हो हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। हम शांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं दो टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। तो सुना आपने, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री ने सैनिकों के बीच जाकर क्या बात कही थी? क्या ये मैसेज चीन तक ठीक से पहुंचे नहीं विशंबर दयाल साहब, या फिर सरकार डिनाल मोड में रही कि ऐसा है नहीं जैसा विपक्ष आरोप लगाता है? देखिए रोहित, जब तक देश में चीन के मुद्दे को आप सरकार और विपक्ष और पक्ष विपक्ष की बात करोगे और सरकार की जो पॉलिसी है उसको विपक्ष पक्ष विपक्ष क्रिटिसाइज करते रहेंगे या उस पर टिप्पणियां करते रहेंगे या उसका कुछ लोग उसका समर्थन करेंगे, जब तक आप चाइना को रिजॉल्व नहीं कर सकते। साहब, आपको चाइना की बात समझनी पड़ेगी, चाइना की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, उसको डील करने के लिए उसको उसी में जवाब देना पड़ेगा। हम देखिए, रक्षा मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात की, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। साहब मतलब हम रिएक्टिव हैं? मैं देखिए सबकी बहुत मान सम्मान करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि भाई ये जो है ये पूरा विस्तारवाद नहीं है, विकासवाद की बात है। मैं बिल्कुल मानता हूँ ये विकासवाद की बात है। चाइना समझता है कि 1993 में 1990 जब से 1991 में भारत ने इकोनॉमिक पॉलिसी खोली थी, उसने अनलीश कर दिया पूरे जम्मू एंड कश्मीर में उग्रवाद ताकि भारत का विकास ना हो सके। जो विकास की एक ही तो मुल्क है दुनिया में जो उसको उसके विकास के साथ विकास दुनिया को भी दे सकता है और अपना भी कर सकता है। हम उसके इकोनॉमिकली भी तो हम उसके कंपटीटर हैं। तो वो अब उसकी वो पता है कि वो कमजोर पड़ गया जम्मू एंड कश्मीर से, धीरे धीरे मिलिटेंसी का असर कम हो गया, भारत में निवेश आने लग गया, तो वो आपको इसमें भी तो इन्वॉल्व कर रहा है ना। आपको लंबी सोच के तहत, जैसे कहा मेरे दोनों साथियों ने, वो लंबी सोच के साथ आया है। आपको लंबी सोच को अनरिडल करना पड़ेगा, ओपन अप करना पड़ेगा और हर चीज का जवाब देना पड़ेगा और प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। मैं कहता हूं जिस दिन ये समाचार आएगा कि कल भारतीय, ये एलएसी है, मैं मिलिट्री ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा साहब, मिलिट्री ऑप्शंस बहुत बड़ा ऑप्शन है, मिलिट्री ऑप्शंस की स्ट्रेटजी भी डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन एलएसी पर मिलिट्री ऑप्शन जो मिलिट्री वॉर जिसको बोल रहे हैं वो बहुत लेट कंसेप्ट है। डिस्कशन कीजिए लेकिन स्मॉल मैन्यूवर्स कीजिए। अगर वो एलएसी, अगर नॉर्थ में उसने एलएसी का थोड़ा पोर्शन चेंज किया, जैसे सब मानते हैं, सारी दुनिया मानती है कि पेंगोंग से फिंगर फोर पर आकर वो बैठा, फिंगर फाइव पे भी चला गया, क्या हो गया हमारी कुछ तो सिरजप के बाद तो हमारा टेरिटरी है 1960 की जो उसका क्लेम था, उसने 1962 पे उसके बाद सीज फायर कर दिया। फिर कैसी डिकॉटमी है हमारी एलएसी के बारे में? हमें पता है 62 जो क्लेम करना चाहता था वो बैठा है, उसके बाद एक एक इंच हमारा है। तो हमें साउथ, जो इन्होंने साउथ सेक्टर में किया है उससे पहले हमें करना चाहिए। जनरल साहब, मैं आपसे यह सवाल आगे आके पूछूंगा, जब भारत की यह पॉलिसी नहीं रही, हम कभी भी पहले हमला नहीं करते किसी पर, और विस्तारवादी देश तो हम बिल्कुल नहीं है, ऐसी स्थिति में जो आप कह रहे हैं वो कितना व्यावहारिक था? एक, और क्या सैन्य विकल्प देने वालों में और साथ ही साथ कूटनीतिक विकल्प देने वालों में सोच का फासला? एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, लेकिन चीन की इस हरकत का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं, एक एक हलचल जो इस वक्त एलएसी पर चल रही है, एक एक अपडेट उसका आप तक आज तक लगातार पहुंचा रहा है। आप बने रहिएगा आज तक के साथ इस ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।